कालांतर में हयग्रीव नाम का एक असुर हुआ जिसका मस्तक घोड़े जैसा था। उसने अपनी कठिन तपस्या से माँ आदिशक्ति से यह वरदान प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु दूसरे हयग्रीव से ही हो सकती है। इस वरदान के मिलने के पश्चात हयग्रीव ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया और ब्रह्मा जी से वेदों को चुरा लिया। वेदों को पुनः प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु हयग्रीव से कई वर्षों तक युद्ध करते रहे। इतने लंबे युद्ध की वजह से हयग्रीव और भगवान विष्णु बुरी तरह से थक गए और आपसी सहमति से कुछ समय के लिए विश्राम करने चले गए। जब भगवान विष्णु लंबे युद्ध के बाद अपने धनुष पर सर रखकर गहरी निद्रा में सो रहे थे तब ब्रह्मा जी के आदेश पर वर्मी नाम के कीड़े ने भगवान विष्णु के धनुष की प्रत्यंचा काट दी जिससे भयंकर टंकार हुआ और भगवान विष्णु का मस्तक कटकर अदृश्य हो गया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने एक घोड़े का मस्तक काटकर भगवान विष्णु के धड़ से जोड़ दिया जिससे भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार हो गया। भगवान विष्णु ने इसी अवतार में अपने सुदर्शन चक्र से हयग्रीव का मस्तक काटकर उसका वध कर दिया और वेदों को पुनः प्राप्त कर ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिया।